अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में कि हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y इज इक्वल टू x, ये हमारे पास एक लाइन है। कैसी लाइन है? जो सेंटर में से पास कर रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, अब ये कैसी लाइन है? m यहाँ पर आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं m की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास यही लाइन बन जाती है y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं m इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 2x बन जाता है। अगर मैं m इज इक्वल टू 1/2 लूँ तो मेरे पास ये y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 लूँ तो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 0.x। मतलब m को हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। बेसिकली m यहाँ पर आपके पास क्या है? एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको एक पैरामीटर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पर है फैमिली ऑफ लाइंस। कैसी फैमिली ऑफ लाइंस है? जिनका सेंटर आपके पास ओरिजिन है, कुछ इस तरह की आपके पास लाइंस बनेंगी जो सेंटर में से पास कर रही होंगी। ऐसी बहुत सारी लाइंस आपके पास बनेंगी जिनका सेंटर आपके पास क्या है? ओरिजिन है। और ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी आपके पास कोई इक्वेशंस या रिलेशन हो और उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहा हो, वो आपके पास फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पर आपके पास m एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बनानी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमने इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, जिस प्रोसेस से आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर आपके पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, आपने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कि वो दी गई इक्वेशन का क्या हो, रिलेशन का क्या हो, सोल्यूशन हो। सोल्यूशन हमें पता है कि वेरिएबल के दरमियान में एक रिलेशन होता है जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब हमें फैमिली ऑफ कर्व्स कोई गिवन हो तो हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होती है। जिस प्रोसेस से हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते क्यों हैं? हमें इक्वेशंस या रिलेशन गिवन है, हम उस इक्वेशंस और रिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनाना चाहते हैं? ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास इक्वेशंस या रिलेशन गिवन होती हैं तो कभी कभार उनकी स्टडी हमारे पास क्या होती है, कार्टीजन कोऑर्डिनेट में उसको स्टडी करना आसान होता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। बाज़ दफ़ा इसको स्टडी करना कार्टीजन कोऑर्डिनेट में आसान होता है और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, दी गई इक्वेशंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास जब फैमिली ऑफ कर्व्स होती हैं, इन फैमिली ऑफ कर्व्स को कभी कभार इक्वेशंस या रिलेशन की फॉर्म में स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और कभी हम क्या करते हैं, इन फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद उनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं, हम कोई भी आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन हो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस y विच इज़ इक्वल टू 0, और वहाँ पर हमने क्लेम किया था कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आज से हमने उलट काम किया करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं हुआ करेगी, हमें जस्ट सोल्यूशन ही गिवन हुआ करेगा। और कौन सा सोल्यूशन गिवन हुआ करेगा? जनरल सोल्यूशन गिवन हुआ करेगा।
मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि जिसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, अगर उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर आ जाए, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हम जब भी आपके पास कोई सॉल्यूशन गिवन होगा तो हमने सबसे पहले वहाँ पर देखने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने यूज़ हैं। यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हैं, यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। हमें इस सॉल्यूशन को देखकर पता चल जाया करेगा, जब हम इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कितने आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनेगी। यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं तो हमारे पास सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, अगर तीन होते तो हमारे पास थर्ड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी थी। इसी तरह से अगर आपके पास एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो आपके पास nth आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बननी थी। अब हमें इतना पता चल गया है कि हमारे पास सेकंड आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो दिए गए सॉल्यूशन का हम दो डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहला डेरिवेटिव हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स आ गया और प्लस बी कोस एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस ए कोस एक्स आ जाएगा और माइनस का बी साइन एक्स आ जाएगा। हमने बनानी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन गिवन हो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद देखनी है, उतने आपने डेरिवेटिव ले लेने। जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए उतने आपने उसके डेरिवेटिव ले लिए, उतनी आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन आपके पास ये बनी है और एक इक्वेशन आपके पास क्या ये है। इन तीनों को आपने यूज़ करके यहाँ से जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट किया करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये सारे के सारा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ये बन गया आपके पास वाई। तो ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा, डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, दी गई सॉल्यूशन की। आपने सबसे पहले देखना है जब भी आपके पास कोई सॉल्यूशन गिवन होगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ होंगे। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हुआ करेंगे आपने उसके उतने डेरिवेटिव ले लेने, आपके पास उतनी इक्वेशंस बन जाया करेंगी। एक इक्वेशन गिवन होगी मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में, बाकी आप उसके डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वेशंस बना लिया करेंगे, फिर उनको आपने यूज़ करके जितने भी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसको एलिमिनेट किया करना है। एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बना करेगी वो आपका सॉल्यूशन हुआ करेगी दिए गए, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी दिए गए सॉल्यूशन की। ये जितनी बातें हमने की हैं इन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन गिवन है, हाँ अलबत्ता वहाँ पर आपके पास n पैरामीटर्स मौजूद हैं, एफ एक्स वाई सी वन सी टू अप टू सोन सी एन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ फैमिली ऑफ कर्व्स विद n पैरामीटर्स। सेकंड में आपने क्या करना है, जितने यहाँ पर आपके पास पैरामीटर्स गिवन होंगे उतने आपने इसके डेरिवेटिव ले लेने हैं। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ गिवन फैमिली, लाजमी नहीं nth डेरिवेटिव है, n आपके पास क्या है जी, यहाँ पर दो यूज़ होते तो आपने दो इसके डेरिवेटिव ले लेने थे, अगर आपके पास 10 है तो आपने इसके 10 डेरिवेटिव ले लेने थे। अब यहाँ पर आपके पास पैरामीटर्स कितने nth है तो nth आपने इसके डेरिवेटिव ले लेने। जब आप इसके nth डेरिवेटिव ले लोगे तो आपके पास nth इक्वेशन बनेगी, उस nth इक्वेशन को और दी गई इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जितने भी यहाँ पर आपके पास पैरामीटर्स होंगे इसको आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट पैरामीटर C1, C2, C3 अप टू सोन CN, सारे के सारे आपने पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है फ्रॉम वन एंड यूजिंग इक्वेशंस ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएशन एंड टर्म्स, जित nth डेरिवेटिव को और इक्वेशन नंबर वन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपने जितने भी यहाँ पर n पैरामीटर्स होंगे उसको एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो दी गई फैमिली ऑफ कर्व्स की क्या होगी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में कहते हैं जी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज़ अ सॉल्यूशन।
हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है जो इस दिए गए सॉल्यूशन का क्या हो, हमारे पास सॉल्यूशन हो। जब भी हमने देखा था कि हमने जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं। इसमें एक ही हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो कौन सा है, हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो लेते हैं इसका पहला डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, फिर आपके पास नेचुरल लॉग बेस और पावर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हमें पता है नेचुरल लॉग e ये 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास बाकी आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 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 का 3 ई की पावर माइनस एक्स आ गया। ये बन गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन, इन दोनों को यूज़ करके हमने एलिमिनेट करना है इस कांस्टेंट को। अगर हम यहाँ से देखें, आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स है, तो x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बाकी आपके पास आ गया 3 ई की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, y माइनस एक्स ओवर 3 विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस एक्स ओवर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस का एक्स आ जाएगा। मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। किसकी बन गई, ये जो हमारे पास सोल्यूशन गिवन था, तो हम कहते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और कहते हैं सी बींग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमारे पास सी यहाँ पर कांस्टेंट है। ना भी बताता, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यही चेक करना था कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, तो इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो लेते हैं इसका पहला डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आपके पास एक्स क्यू प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 3x है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज एक्स क्यू प्लस सी, और दूसरे फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव ई की पावर माइनस 3x आ जाएगा, फिर साथ में आएगा नेचुरल लॉग ई, वो 1 के इक्वल होता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर माइनस 3x का डेरिवेटिव आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस फार्मूले का सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और सी का 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3x स्क्वायर तो आपके पास 3x स्क्वायर ही आ जाएगा, और साथ में e की पावर माइनस 3x आ जाएगा। तो मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन को पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर e की पावर माइनस 3x, ये बन जाएगा आपके पास माइनस 3 इंटू एक्स क्यू प्लस सी ई की पावर माइनस 3x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और इस दिए गए सॉल्यूशन को हमने यूज़ करते हुए यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगर इस सारी चीज़ को मैं देखूँ, ये किसके इक्वल है, हमारे पास y के इक्वल है, तो यहाँ पर y पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर e की पावर माइनस 3x, और माइनस का 3y बन जाएगा, तो ये माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर e की पावर माइनस 3x आ गया, और ये दिए गए सॉल्यूशन की हमारे पास क्या थी।